हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, थंबनेल देखकर इस वीडियो की आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम बनाने वाले हैं कि सेल में अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। सेल में अपकमिंग रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है और किन किन पोस्टों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ सकती है और कौन सी यूनिट में सेल की रिक्रूटमेंट आने वाली है, पूरी तरह से ये वीडियो डेडिकेटेड है सेल के ऊपर। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनको नहीं पता, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। महारत्ना कंपनी है दोस्तों। सैलरी स्ट्रक्चर्स बहुत कम होता है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सैलरी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। फिलहाल जो रिक्रूटमेंट आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिप्लोमा और आईटीआई लेवल पर रिक्रूटमेंट आती है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। ओसीटी की पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए होती है, जहाँ पर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बनते हैं। डिप्लोमा वालों पर 2 साल की ट्रेनिंग होती है। और ACTT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन दोस्तों, ये आईटी वालों के लिए पोस्ट होती है। तो ओसीटी की वैकेंसी और ACTT की वैकेंसी दोनों आने वाली है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि बोकारो की यूनिट में ये वैकेंसीज आने वाली है। काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया वैकेंसीज आए, जो वैकेंसियाँ क्लियर भी हुई हैं, पुरानी वैकेंसियाँ क्लियर हुई हैं। तो न्यू रिक्रूटमेंट में बोकारो रिक्रूटमेंट के आने के सबसे पहले सबसे चांसेस है, और भी यूनिट की वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी बोकारो की वैकेंसी सबसे पहले आने वाली है। और मुझे लगता है दोस्तों, जहां तक न्यूज़ मिल पाई है, 1 महीना या 1.5 महीने के अंतर्गत आपका फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। लगभग सारी चीज़ें हो चुकी है। आईटीआई वालों की वैकेंसियाँ भी लगभग क्लियर हो चुकी हैं। 350 प्लस ही वैकेंसियाँ आईटी वालों के लिए आने वाली है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसीज आने वाली है। और अगर हम ब्रांच वाइज वैकेंसी बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मेटलर्जी, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इन सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही इसके बारे में कोई फुल नोटिफिकेशन होगा, कोई नई अपडेट होगी, मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहे सर अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में भी एक अलग से वीडियोस बना दिया करिए, ताकि हमें पता भी चल पाए अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स क्या कहाँ कहाँ आने वाली है। तो सेल के बारे में ये दोस्तों अपडेट थी, मैं सभी लोगों के साथ साझा कर दिया। ठीक है, जैसे ही कोई एक ऑफिशियल अपडेट आएगी, मैं सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तो इसी तरह चैनल बने रहे, इसी तरह की जो बेहतरीन अपडेट्स होती है, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट की अपडेट होती है, एडमिट कार्ड की अपडेट होती है, कोई न्यू वैकेंसी आउट हो गई है उसकी अपडेट आती है, तो आप सभी लोग को जानते होंगे, जो लोग पुराने टाइम से जुड़े हुए उन्हें ये अपडेट हमारे चैनल में मिलती है। तो अगर आप चैनल पहले ही विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सारा फायदा मेरा ही होने वाला है, आपका भी फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।